नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फसल के बारे में जो कि लगभग 25 से 30 दिन में जो है पूरा तैयार हो जाता है और उसके बाद जो है लगभग 35 से 40 दिन में बिल्कुल खेत खाली हो जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पालक की खेती के बारे में। दोस्तों पालक की खेती करना बहुत आसान है और नए किसान भी यह खेती जो है कर सकते हैं। अगर इस समय आप लोग लगाते हैं यानी कि बुआई करते हैं तो आप लोग को जो है लगभग 30 से 35 दिन में जो है आप लोग को कटाई कर खेत खाली हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को जो लेना है वो है वेराइटी। दोस्तों अगर हाइब्रिड किस्म लेते हैं आप लोग को तो बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा वजन भी मिलता है। तो दोस्तों हमने पालक का जो है 5 वेराइटी रखे हैं जिसका उपज उत्पादन जो है हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है। दोस्तों इसका है दोस्तों वो पूरा डार्क ग्रीन देखने को मिलता है यह वेराइटी का, अगर आप लोग इस वेराइटी में से कोई भी वेराइटी लगाते हैं तो। दोस्तों बात कर लेते हैं खेत कैसे तैयार करें, उसके बाद जो है हम वेराइटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग खेत तैयार करते समय आप लोग जो है लगभग कल्टीवेटर जो है आप लोग अपना खेत को जो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं कल्टीवेटर लगाकर रोटावेटर लगाकर, और लास्ट में जब आप लोग को लास्ट में यानी कि लास्ट रोटावेटर जब लगाते हैं उससे पहले जो है आप लोग क्या करेंगे ऑर्गेनिक गोबर मल जो है यानी कि गोबर मल जो देसी वाला है वो आप लोग जो है डालकर जो है उसको जोताई कर देंगे। और जोताई करने से पहले आप लोग जो है उसमें SSP लेना है दोस्तों लगभग 35 से 40 किलो, और दोस्तों इसी के साथ लेना है पोटास लगभग 15 से 20 किलो, और दोनों को मिलाकर आप लोग जो है अपने खेत में जो है छिड़काव कर देते हैं तो आप लोग को जो है बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप लोग को जो है कोई खाद यानी कि उतना ज़्यादा लगता नहीं है इस फसल में, तो आप लोग जो है इसके बाद जो है आप लोग जो है बुआई कर सकते हैं सीड का। तो दोस्तों सीड्स ट्रीटमेंट करने के लिए यानी कि ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग को लेना है कार्बेंटाजेम और मैनकोजेब जो कि साफ फंगीसाइड में आता है। आप लोग 1 किलो में लगभग चार से पाँच ग्राम ले सकते हैं 1 किलो बीज में। दोस्तों इसके यानी कि बीज में यह तो बिल्कुल सटेगा नहीं, तो दोस्तों इसके साथ जो है थोड़ा पानी यानी कि पानी डालते और उसको जो है मिलाते हुए आप लोग को जो है बीज को जो है बीज में जो है पूरी तरह से उसको मिलाना है, और उसके बाद जो है आप लोग जो है छाया में हल्का सुखा लेंगे और इसके बाद जो है आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग को जो है 100% जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद आप अगर बात किया जाए तो दोस्तों आप लोग जो है 15 से 20 दिन के बाद जब आप लोग का जर्मिनेशन बहुत अच्छा आ जाता है, जब 15 से 20 दिन हो जाता है आप लोग जब सिंचाई उचाई कर देते हैं उसके बाद आप लोग को लेना है नाइट्रोजन यानी कि यूरिया लेना है, और इसके साथ दोस्तों आप लोग को लेना है धनजाइम गोल्ड जो कि दानेदार फॉर्म में आता है उसको लेना है दोस्तों आप लोग को लगभग है 5 से 10 किलो 1 एकड़ के लिए। और दोस्तों आप इन दोनों को मिलाकर और अपना खेत में जो है बिल्कुल पालक के खेत में जो है बिखोर यानी कि छिड़काव कर देना है। तो दोस्तों इससे जो है आप लोग को जो है आप लोग का पत्तिया जो यानी कि पालक का पत्तिया जो है वो डार्क ग्रीनिश देखने को मिलेगा, और दोस्तों इससे वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों आप लोग जो है लास्ट में यानी कि लगभग 18 से 20 दिन जब हो जाता है तो आप लोग यह यानी कि यह खाद जो है आप लोग डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग का फसल में किसी प्रकार का समस्या दिख रहा है जैसे ग्रोथ नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप लोग जैसे कि NPK भी डाल सकते हैं। NPK के साथ आप लोग सागिरी का लिक्विड वाला जो आता है आप लोग इसको डाल सकते हैं। यह डालने से दोस्तों आप लोग का वजन भी बढ़ेगा और पौधा का चमक भी अच्छा यानी कि क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर बात कर लिया जाए फंगस उंगस आ रहा है तो दोस्तों आप लोग जैसे कि कार्बेंटाजेम मैनकोजेब आता है आप लोग एक या दो बार आप लोग स्प्रे कर देंगे तो आप लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लिया जाए कीट पतंगे अगर आ चुका है तो दोस्तों आप लोग का एरिया में अगर एसिटामेप्रिड मिल रहा है जैसे कि कृषि रसायन का एक्का के नाम से मिलता है आप लोग यह भी ले सकते हैं। लगभग 10 से 12 ग्राम लेना है 15 लीटर के टिंगी में और स्प्रे कर देना है। दोस्तों सभी प्रकार का जो इल्ली सुंडी और रसचूसक कीटक जो जितने भी मिलते हैं यानी होते हैं सभी को जो है ख़त्म करने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारा जानकारी कैसा लगा अब चलते हैं हम बात कर ले वेराइटी के ऊपर। दोस्तों सबसे पहला वेराइटी जो है वो है नामधारी का। दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख कर ले तो दोस्तों पहला नंबर जो वेराइटी रखे हैं वो है नामधारी का, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में। इसका भी यानी कि पत्तिया जो साइज बहुत अच्छा आता है और शाइनिंग भी बहुत अच्छा रहता है और ग्रीननेस ज़्यादा रहता है, ग्रीन टोन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों दूसरा नंबर बात किया जाए तो दोस्तों आप लोग एडवांटा का मुलाकी लगा सकते हैं मुलायम। दोस्तों ये इसका भी उपज उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिला है, आप लोग एक बार जरूर लगाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग के एरिया में यह पालक चलता है तो आप लोग भी लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों तीसरा नंबर में बात किया जाए तो वो है रिजवान का। दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं इसका भी उपज उत्पादन हमारा एरिया में बहुत अच्छा देखने को मिला है।
दोस्तों अगर तीसरा नंबर में बात किया जाए तो वो है वेलकम सीड्स का। दोस्तों वेलकम सीड का पालक बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग एक बार जरूर लगाकर देखिएगा। तो दोस्तों पांचवा नंबर में जो है वो है इंडो अमेरिकन का इंडो कलकत्ता। दोस्तों यह वैरायटी आप लोग लगा सकते हैं, इसका भी उपज उत्पादन सेम वैसे ही है। सभी वैरायटी आप लोग इन पाँचों वैरायटी में से आप लोग कोई भी वैरायटी एक लगा सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है और दोस्तों उपज उत्पादन भी अच्छा है। दोस्तों इनमें जो हमें जो है एक चीज़ देखने को मिला है, दोस्तों इसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का समस्या देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग का एरिया में देखने को मिल रहा है तो जैसे फंगिसाइड हुआ, आप लोग का अगर फसल जो है फंगस उंगस लगा हुआ है तो आप लोग फंगिसाइड डाल सकते हैं। फंगस का समस्या है तो आप लोग फंगिसाइड डाल सकते हैं, नहीं है तो दोस्तों आप लोग जैसे कि कीट पतंगे लगे हैं तो हम कीट पतंगे के ऊपर भी बता चुके हैं। और दोस्तों आप लोग का हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।